नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी होलिका दहन के विषय में। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन कब से शुरू होगा, होलिका दहन के दिन भद्रा लग रही है, भद्रा कब समाप्त होगी और कब से होलिका दहन का पूजन और होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा, होलिका दहन के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, होलिका दहन की जो राख है इसके क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, ये कितनी प्रभावशाली और कितनी चमत्कारी राख है, इसके विषय में भी आप लोग जानेंगे। होलिका दहन का पूजन किस प्रकार किया जाता है। वैसे तो पूजन के विषय में मैं बता दूं कि अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग परंपरा होती है और अलग अलग घरों की भी अपनी अलग परंपरा होती है। आप लोग उस हिसाब से ही पूजन कीजिएगा, लेकिन जो मुख्य पूजन का विधि है, जो मुख्य बातें हैं पूजन के विषय में, वो भी आप लोग जानेंगे। होलिका दहन की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, होलिका दहन पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है, तो पूर्णिमा तिथि का व्रत जो रखना है, अर्थात फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत जो भाई बहन रखेंगे वो किस दिन रखेंगे, बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में कि होलिका दहन पर आप क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त हो और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में होता है होलिका दहन के इन सारे उपायों से। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लाभकारी और उपयोगी वीडियो होने वाली है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं यदि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बता दूं होलिका दहन के विषय में। 2024 में 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। वैसे तो होलिका दहन का जो नियम है वो सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है, लेकिन इस बार होलिका दहन देरी से होगा क्योंकि होलिका दहन के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा कब से लग रही है, सुबह 9:54 से जब से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है उसी समय से भद्रा भी प्रारंभ हो जा रही है और भद्रा समाप्त होगी देर रात्रि 11:13 पर। तो कहने का अर्थ है कि 11:14 से होलिका दहन का जो कार्यक्रम है, पूजन है, वो शुरू किया जाएगा क्योंकि भद्रा समाप्त होने के बाद ही हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो उसके बाद ही होलिका दहन की पूजा और होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब देखिए, होलिका दहन की पूजा के विषय में मैं बात करूं तो सबकी अलग अलग परंपरा है, लेकिन मुख्य रूप से होलिका दहन के पूजन में जो सामग्री लगती है, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प, गुड़, बताशे, रोली, चंदन और एक लोटा जल, ये सारी सामग्री पूजा में लगती है और ज्यादातर मुख्य रूप से इसी प्रकार से पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन कुछ घरों की जो अपनी अपनी परंपरा है इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है पूजन की, तो होलिका की परिक्रमा जो करना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम होलिका की पूजा करने के बाद होलिका की परिक्रमा करते हैं, तो होलिका में आप अबीर, गुलाल, गुड़, बताशे, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करें, चारों तरफ से जल अर्पित करें, अर्थात जल गिराते हुए आप होलिका की परिक्रमा करें और होलिका की पूजा करें। इस तरह से प्रार्थना करें अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी निगेटिविटी है वो आपके घर से दूर हो, आपके परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब बात आती है कि होलिका दहन के समय हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि होती है और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में पूर्णिमा तिथि को कितनी विशेष तिथि बताई गई है, कितना विशेष होता है यह दिन जो पूर्णिमा तिथि का दिन होता है, इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। साथ में मैं ये भी बता दूं कि 24 मार्च को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। स्नान दान की पूर्णिमा अगले दिन होगी, अर्थात 25 मार्च को, जिस दिन होली का पर्व हम लोग मनाएंगे, तो आप लोग व्रत 24 को ही रखेंगे। अब बात आती है होलिका पूजन के बाद, आप लोग परिक्रमा करने के बाद, अब होलिका दहन में कौन सी ऐसी चीजें अर्पित करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप होलिका दहन में दो चीज जरूर अर्पित करें सभी समस्याओं के लिए। आप अपने घर से कपूर ले लें और 11 इलायची ले लें। ये अर्पित करने से आपके जीवन की कई सारी समस्याएं दूर होती हैं, धन संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और घर में जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भी दूर होती हैं अपने घर से ले जाकर
यदि आप एक इलायची और कपूर होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करते हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ और सबसे सरल उपाय बता रही हूँ। दोस्तों, ज्यादातर घरों में यही दिखाई देता है कि घर में पारिवारिक क्लेश बना रहता है, कलह क्लेश होते रहते हैं, परिवार के संबंधों में मिठास नहीं रह गई है, परिवार में तनाव रहता है, अनबन रहती है। इसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा उपाय है, इस पूर्णिमा तिथि पर अर्थात होलिका दहन पर आपको 11 बताशे लेने हैं। आप 11 बताशे ले लें, बताशे आसानी से मिल जाते हैं। और होलिका दहन के समय पर, जब होलिका दहन का समय हो जाए, वैसे तो देर रात्रि का ये समय है, लेकिन आपके घर के आसपास जहां भी होलिका दहन हो रहा हो, वहां पर आपको 11 बताशे लेकर जाने हैं। पहले जाने कैसे हैं ये जान लीजिए। परिवार के सभी सदस्यों के सर से इसे 7 बार वार लेना है, उल्टा, जिसे कि एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। उल्टा 7 बार वारने के बाद आप ले जाकर उस 11 बताशों को परिवार का कोई भी एक सदस्य ले जा सकता है और उस होलिका दहन की अग्नि में आप डाल दें और प्रार्थना करें। हमारे घर की जितनी भी निगेटिविटी है, परिवार के बीच में जितने भी तनाव हैं, कलह क्लेश है, ये सब दूर हो जाएं। तो ये बताशे अर्पित करने से आपके घर के कलह क्लेश जो है ये दूर होते हैं। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए होलिका दहन की अग्नि में पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। पान का पत्ता अर्पित करने से माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके आप पान का पत्ता अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है, धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। यह भी बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। होलिका दहन की अग्नि में पीली सरसों परिवार के सर से उतार कर हम ले जाकर डालते हैं, जिससे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो, प्रत्येक सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, बाधा आ रही है, वो दूर होती है पीली सरसों को अर्पित करने से। दूसरी चीज, बहुत ही पहले से, बहुत ही पुराने समय से परंपरा है कि होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों को उबटन लगाया जाता है। उबटन वैसे तो अब बहुत सारी चीजों से बनाया जाता है, बेसन से, आटे से, लेकिन जो मुख्य उबटन होता था दोस्तों, वो सरसों का उबटन होता था। सरसों को भून के पीस कर, और बहुत ही पुराने समय से आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, सरसों को भून कर पीस कर और उस उबटन को अपने पूरे शरीर में सारे परिवार, चाहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इस उबटन को लगवाते थे और उस उबटन की मैल को इकट्ठा करके ले जाकर होलिका दहन की अग्नि में डाला जाता था। ये परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, तो इस परंपरा को भी हमें जरूर निभाना चाहिए। हमें सरसों का ही उबटन लगाकर उसे होलिका दहन की अग्नि में डालना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है परिवार के सभी सदस्यों पर। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालियां भी ले जाकर अर्पित की जाती है और गेहूं की बालियों को हल्का सा जलाकर लाकर अपने घर में टांगा जाता है। इससे माँ अन्नपूर्णा जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। चने की जो फसल होती है, उसकी बाली को भी जलाकर अपने घर में लोग लाकर टांगते थे। इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये सारे होलिका दहन के बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर उपाय हैं। अब मैं बात करती हूँ, होलिका दहन समाप्त जब हो जाती है, अर्थात अग्नि बुझने के बाद जो राख बचती है, तो सुबह जाकर राख जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो सुबह सवेरे स्नान आदि करके, या फिर वैसे ही सब लोग जाते थे हमारे घर के परिवार, और आप सभी लोगों के यहाँ भी ये नियम होता होगा, तो होलिका की राख को अपने घर लेकर आते थे। कहा जाता है कि होलिका की राख को वर्ष भर अपने घर रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को आश्चर्य होगा दोस्तों, होलिका दहन की जो अग्नि होती है, अर्थात जो कंडे उपले जलाए जाते हैं, उस जलते हुए कंडे को, उपले को, घर की जो महिलाएं होती थी, बुजुर्ग महिलाएं, वो लेकर आती थी और एक पात्र में, मिट्टी का एक पात्र होता था, उसमें अग्नि को जलाकर और ऊपर से उपले कंडे इत्यादि रख कर, और जो धान की भूसी होती थी उसे रख कर, उसे एक वर्ष तक उस अग्नि को जलाए रखती थी, क्योंकि वो होलिका दहन की अग्नि होती थी। कहा जाता था कि इससे घर में सुख समृद्धि पूरे वर्ष भर बनी रहती है। दोस्तों, इतना सारा उपाय पहले के समय के लोग करते थे। अब तो ये अग्नि रखने की परंपरा तो अब नहीं रह गई है, शहरों में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, गांव में हो सकता है, अभी भी बड़े बुजुर्ग महिलाएं ये कार्य करती हूँ लेकिन मेरे समय में, मैं जब छोटी थी, मैं ये चीज देखती थी कि ये कार्य सभी घरों में होता था और पूरे वर्ष भर वो अग्नि जलती रहती थी। उसे इतना संभाल कर रखा जाता था, उसमें बराबर उपले कंडे, धान की भूसी इत्यादि रखते रहते थे लोग, कि वो अग्नि बुझने ना पाए।
तो ये उपाय तो मान लीजिए नहीं हो सकता, लेकिन बाकी उपाय आप कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को आप अपने घर में लाएं, रखें, किसी पात्र में रखें, वो वर्ष भर तक आपके घर में रहना चाहिए। अब इसका उपाय भी समझ लीजिए। आपके घर में पहली बात तो होलिका दहन की जब आप राख सुबह लेकर आते हैं, तो पूरे परिवार, चाहे छोटा हो, कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सभी के मस्तक पर उस होलिका दहन की अग्नि की राख को जरूर लगाएं। कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है, उसके शरीर पर और उसके माथे पर उस राख को जरूर लगाएं। अब मैं एक और बात बताती हूँ। मान लीजिए कोई भी ऐसा परिवार का, आपके जो सदस्य हैं, बहुत सारे परिवार में सदस्य हैं, और कोई ऐसा सदस्य है जो लंबी बीमारी से जूझ रहा है और बहुत सारा उपचार करा लेने पर भी ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो पीले कपड़े में होलिका दहन की राख को आप बांधकर उस व्यक्ति के सिरहाने रख दे, उसे वहीं पर पड़ा रहने दे, उसे हटाए नहीं बार बार, उसे सिरहाने रख दे। इससे भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। इस होलिका दहन की राख को आप अपने घर में रखें, और जब भी कोई भी व्यक्ति घर से किसी विशेष कार्य के लिए निकले, चाहे परीक्षा संबंधी कार्य हो, चाहे किसी विशेष कार्य को शुरू करने के लिए, तो उस राख को अपने मस्तक पर लगाकर निकले। इससे किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है, अड़चन नहीं आती है, सफलता प्राप्त होती है। और इस होलिका दहन की राख को दोस्तों लाल कपड़े में बांधकर, साथ में हल्दी की गांठ को रखकर, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए आप अपने घर के धन स्थान पर भी इसे रख सकते हैं। दोस्तों और भी मैं उपाय बताऊं, क्योंकि ये पूर्णिमा की रात्रि है, इसी दिन व्रत भी रखना है, व्रत के जितने भी पूजा पाठ है इसी दिन सभी को करना है, भाई बहन जो भी व्रत रखते हैं। और इस दिन यदि आप रात्रि में बैठकर, मान लीजिए जो भी भाई बहन व्रत नहीं रखते हैं, उनके लिए भी ये उपाय है। आप इस रात्रि में यदि बैठकर माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का चित्र एक साथ रखकर, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या फिर श्री सूक्तम का पाठ, या कनक धारा स्तोत्र, या फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ यदि इस रात्रि में करते हैं, तो इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण की कृपा आपके घर पर सदा बरसती रहती है। दोस्तों ये भी बहुत ही उत्तम उपाय है। मैं पूर्णिमा व्रत के विषय में वीडियो आगे दूंगी कि व्रत के क्या क्या नियम है, पूजा कैसे करनी चाहिए, और क्या क्या पूर्णिमा व्रत पर हमें करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त हो। आज विशेष रूप से वीडियो थी होलिका दहन के उपाय और होलिका दहन के पूजन और समय के विषय में। तो आप लोग ये सारे कार्य जरूर कर लीजिएगा। घर का कोई एक ही परिवार उपाय कर ले, तब भी वो सभी के लिए वो लाभ पहुंचता है। चाहे तो होलिका दहन का उपाय और होलिका दहन के राख का उपाय आप लोग जरूर कर लीजिएगा। पूजन का समय मैंने बता दिया है, होलिका दहन का समय क्या है बता दिया है, भद्रा कब से कब तक है ये भी मैंने बता दिया है। तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।